यात्री प्रतीक्षालय का अभाव, यात्रियों को हो रही है असुविधा। शंकरगढ़ अंबिकापुर कुसमी मुख्य मार्ग पर स्थित बलरामपुर जिले का एक ऐसा विकासखंड शंकरगढ़ एक ऐसा जगह जहां से प्रतिदिन सैकड़ों यात्री सफर करते हैं, लेकिन इस सड़क के किनारे स्थित शंकरगढ़ में किसी भी प्रकार का यात्री प्रतीक्षालय नहीं है। शंकरगढ़ से राजपुर, अंबिकापुर, कुसमी, जशपुर, बलरामपुर, रायपुर, बिलासपुर आदि शहर जाने वाले कई बसें निकलती है, परंतु इन बसों का आने का इंतजार यात्रियों को रोड के किनारे खुले में या दुकानदार के दुकान के सामने खड़े रहकर करना पड़ता है। बरसात के समय में यात्रियों को बारिश में खड़े रहते रहते बस का इंतजार करना पड़ता है। गर्मी में धूप को भी यात्री झेलते हैं। बस स्टैंड शंकरगढ़ में कोई भी यात्री प्रतीक्षालय नहीं है और यात्रियों को खुले में या बस स्टैंड पर फैली गंदगी के पास खड़े रहकर बस का इंतजार करना पड़ता है। कई कॉलेज की छात्राएं कमारी दीपाडी जाती है, जिन्हें बस स्टैंड पर दुकानदारों की दुकान के सामने खड़े रहकर या रोड पर इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी तो दुकानदार भी अपनी दुकान के सामने से यात्रियों को खड़े होने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में यात्री बहुत परेशान रहते हैं। शंकरगढ़ बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय की बहुत आवश्यकता है, परंतु जिम्मेदार लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं। शंकरगढ़ बस स्टैंड में महिलाएं, बच्चे, छात्र, बुजुर्ग यात्री को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता है कि सड़क के किनारे खड़े होने के कारण यात्रियों के साथ कई प्रकार की दुर्घटनाएं उत्पन्न होती है। इस मामले में जब सरपंच से बात किया गया तो सरपंच ने विधायक को कोसते हुए उसे जिम्मेदार बताया। शंकरगढ़ बस स्टैंड की हालत ऐसी हो गई है कि यात्री सुलभ शौचालय के सामने बैठकर बस का इंतजार करते हैं। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए घनश्याम सोनी की रिपोर्ट।